एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ईशान गुप्ता है। मैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ ईशान हार्ट सेंटर आगरा में। आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों पड़ता है, हार्ट अटैक के कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, किस तरह की इसमें दवाइयाँ चलती हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें बहुत ही रोचक बातें आपको पता चलेंगी। तो हार्ट अटैक का क्या मतलब है? हार्ट अटैक को हिंदी में हृदयाघात भी बोलते हैं। हार्ट अटैक में होता क्या है कि दिल की नस में रुकावट आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है, या कहें थ्रोम्बस आ जाता है, या खून का थक्का बोल सकते हैं आम भाषा में। तो उसके आने की वजह से अचानक दिल की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, दिल को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। इस समय कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिसीजेज जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जान लेती हैं। तो इसमें जो ब्लॉकेज आता है उसमें, उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। उससे जो सिम्टम्स, सबसे पहले हम सिम्टम्स समझते हैं कि सिम्टम्स क्या आते हैं। तो जो हार्ट अटैक होता है, जैसे हृदयघात को बोलते हैं, जो कि बड़ी बीमारी है, उसमें आपके सीने में आप बैठे हुए अचानक आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक आपके सीने में आप तेज दर्द उठ सकता है, या स्टर्नम के पीछे जो बीच में छाती है, सब स्टर्नल रिट्रोस्टर्नल पेन होता है, जो कि गले तक जा सकता है और आपके बाएं हाथ में भी जा सकता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनको पेन नहीं होता, उसे पेनलेस हार्ट अटैक बोलते हैं। उनको घबराहट बेचैनी हो सकती है और सांस फूल सकती है। वैसे ही औरतों में भी पेन कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेन ही एक सिम्टम्स है, लेकिन हाँ, सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो ये पेन ही होता है, जो भारीपन आता है सीने में। आदमी ऐसे छाती पकड़ के बैठ जाता है, उसे लगता है सीने पे बहुत बड़ा भारी पत्थर रख दिया हो। तो हार्ट अटैक में भी कई प्रारूप होते हैं, कई स्टेजेस होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको एंजाइना ऑन एक्सर्शन होता है। एंजाइना का मतलब है कि ब्लॉकेजेस तो हैं पर 100% नहीं है अभी ब्लॉकेज, अंदर 80-90% ब्लॉकेज पड़ा हुआ है। ऐसे में होता क्या है कि जब मरीज चलता फिरता है, या कोई काम करता है, या कोई एक्सरसाइज करता है, तो उस समय उसके सीने में भारीपन आता है। जैसे ही वो बैठता है तो वो भारीपन चला जाता है, और ऐसा कई बार सालों साल होता रहता है। जब मरीज़ की हमको जाँचें करते हैं, जैसे कि ECG को, TMT, उससे पता चलता है कि ये एंजाइना का पेन है, इसे ये इसको हार्ट के ब्लॉकेजेस की वजह से है। इसके विपरीत जो हृदयघात होता है, जो हार्ट अटैक होता है, उसमें कई बार तो मरीज को पहले कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हार्ट के। आराम से बैठा होता है, अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। हो सकता है उसको अन्य बीमारियाँ हों, जैसे कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, जो कि हार्ट अटैक की संभावनाएँ बढ़ाती हैं, पर हृदय से रिलेटेड उससे कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है। अचानक बैठा होता है और अचानक उसे ये पेन होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है हार्ट अटैक में कि मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता और उसकी हृदयघात की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु तक हो जाती है। तो हार्ट अटैक एक गंभीर बीमारी है, जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। कई बार होता है कि मरीज को पेन हुआ और थोड़ी देर बाद चला गया, मरीज अगले दिन हमें OPD में आके दिखाया और मरीज चलता फिरता आया। हम कहते हैं भाई हार्ट अटैक है, आप भर्ती हो जाए, लेकिन मरीज इसकी गंभीरता को नहीं समझता। उसे लगता है कि तो सीने में हल्का सा दर्द है, इसमें क्या है, हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। पर सीने में दर्द इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ इसमें है कि हृदय पर नुकसान पहुँचना। जो आदमी का हार्ट होता है, हार्ट का काम होता है कि ब्लड को पंप करना, और वही ब्लड जो है वो पूरे शरीर को चलाता है। हमारे शरीर के सारे जो ऑर्गेन्स, हमारी जो बॉडी है, वो ब्लड से ही चलती है। तो जब हृदयघात होता है तो हार्ट की जो पंपिंग पावर होती है, जो नॉर्मल 60% के आसपास होती है, वो घट जाती है। कितनी घटती है डिपेंड करता है आपको कौन सा वाला हार्ट अटैक है, कितना मेजर हार्ट अटैक है। तो जो नॉर्मल हार्ट की पावर 60% होती है, वो हार्ट अटैक में घट जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं और शरीर के बाकी अंग भी काम करना कम कर देते हैं, जिसमें भी मुख्य अंग है किडनी। किडनी का काम करना, पेशाब का कम होना, इसमें एक बड़ी एक चीज़ है, जिसकी वजह से, जो हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। तो हार्ट अटैक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी ये सिम्टम्स हैं, पर ये आजकल इतना बढ़ क्यों गया है, इसके क्या मुख्य कारण है? सबसे पहले तो पैथोजेनेसिस समझते हैं, हार्ट अटैक होता क्यों है। हार्ट अटैक होता है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आ गया, या तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना, जो बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से जो आर्टरी थी वो धीरे 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 70-80-90-99% और आगे 100% तक ब्लॉक हो गई, या फिर बेसलाइन थोड़ा सा प्लाक था और वो रप्चर हुआ, जहाँ पे खून का थक्का जम गया, जिसने आर्टरी को 100% तुरंत बंद कर दिया। जो 100% आर्टरी बंद होती है, 100% वही सबसे बड़ा वाला हार्ट अटैक पैदा करती है। दिल में मुख्यतः तीन नसें होती हैं, LAD,
LCX एंड RCA। इन तीनों नस में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, जिनकी गंभीरता भी अलग अलग रहती है, एंटीरियर वॉल MI, लेटरल वॉल MI एंड इन्फीरियर वॉल MI। तो ये ब्लॉकेजेस आजकल बढ़ के हो रहे हैं, इनका क्या कारण है कि ब्लॉकेजेस आजकल इतने बढ़ गए हैं? वो मुख्य कारण है हमारी जीवन शैली। जीवन शैली, एक ज़माने में जब पुराना ज़माना हुआ करता था, लोग साइकिलें चलाते थे, पैदल बहुत चला करते थे, आजकल लोग गाड़ियों में घूमते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापा बहुत बढ़ गया है, लोग फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, चिकनाई का परहेज नहीं कर रहे हैं, चीनी बहुत खा रहे हैं, मीठा बहुत खा रहे हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ने लग गया है। ये वजन बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, जो कि हमारे दिल की नसों में जाके इकट्ठा होने लग जाता है। अन्य मुख्य कारण नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब, ये भी हार्ट अटैक बढ़ा रहा है। बीड़ी सिगरेट तो बहुत ही ख़राब चीज़ है दिल के लिए, जो फेफड़ों को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है और कई तरह के कैंसर भी करती है। उसी तरीके से टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसकी वजह से शरीर में से कुछ ऐसे केमिकल हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हृदयाघात बढ़ा देते हैं। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि हमने बहुत देखते हैं कि गुस्सा करा किसी ने, एक्टर ने, और अचानक वो हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो गुस्सा, स्ट्रेस, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक बढ़ सकता है। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो आजकल की जीवन शैली में बढ़ती जा रही है। हमने लक्षण जान लिए, हार्ट अटैक में क्या लक्षण आते हैं, हमने ये जान लिया कि किन किन कारणों से ये बढ़ता जा रहा है। साथ में एक चीज़ जो बताना रह गई वो कि ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, ये दो ऐसी बीमारियाँ हैं जो हृदयघात को, हार्ट अटैक को बढ़ाती हैं। तो जिनको भी डायबिटीज़ है वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, और जिनको ब्लड प्रेशर है वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 120/80 है, कोशिश करिए इसके आसपास रहे। और जो डायबिटीज़ है जिनको, वो कोशिश करें कि उनका जो खाने के दो घंटे बाद की शुगर है वो 180 से कम रहे और खाली पेट की शुगर 125 से कम रहे। तो इन दोनों का भी हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं कि हार्ट अटैक के क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, एक एंजाइना और दूसरा हार्ट अटैक। तो एंजाइना में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये दोनों में ही आप पहले ये समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो भी हम ये चीज़ें बताई हमने, धूम्रपान और तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, टेंशन, एंजाइटी, इन सबसे दूर रहना है, एक्सरसाइज वगैरह करिए, वेट मेंटेन करके चलिए, ये इसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आते हैं। दूसरा कि ट्रीटमेंट क्या है। अब एंजाइना में क्या है कि पहले तो ट्रीटमेंट से पहले हमें डायग्नोसिस बनानी है। डायग्नोसिस बनती है हमारी कुछ हार्ट की जांचें हैं, जैसे कि ECG, ECO, TMT, जिससे हमें पता लगाते हैं कि ये चीज़ हार्ट की वजह से है। किसी का TMT पॉजिटिव आ गया तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके जो दिल की नसें उसमें ब्लॉकेजेस होंगे। फिर हम उसमें दवाइयाँ देते हैं, जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, कुछ हार्ट को, आर्टरीज को डायलेट करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, कुछ कार्डिक वर्कलोड कम करने की दवाइयाँ होती हैं, जिसके ज़्यादातर मरीज, ऑलमोस्ट मेरे तो 95% मरीज जो हैं दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं, दवाइयों से उनको एंजाइना रिलीफ मिल जाता है। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें एंजाइना के मैनेजमेंट में आ जाती है। इन केस 4-5% पेशेंट जो दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद भी जिनको एंजाइना परसिस्ट कर रहा है, यानी कि ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी हमने उनको दे दी है फिर भी उनको एंजाइना हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं उन पेशेंट्स की, और एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस देखते हैं। अगर वो ब्लॉकेजेस लेस देन 70% हैं तो हम उन्हें मेडिकली ट्रीट करते हैं, पर अगर मोर देन 70% हैं तो उसको खोलने की सलाह दी जाती है, चाहे वो एंजियोप्लास्टी से खोलें जिसमें कि स्टेंट डाला जाता है, या फिर अगर तीनों नसों में ब्लॉक है या लेफ्ट मेन आर्टरी ब्लॉक है तो बाईपास सर्जरी के लिए पेशेंट को हम भेजते हैं। अब सवाल आता है, ये तो बात हो गई एंजाइना के पेशेंट्स की, अब आता है कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में हमें क्या करना है। हार्ट अटैक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, उसमें आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। आपको ये नहीं है कि आज हार्ट अटैक पड़ा, आप 4 दिन बाद नस खोल रहे हैं, 5 दिन बाद नस खोल रहे हैं, ना। रूल है कि द विंडो पीरियड इज 12 आवर्स, हार्ट अटैक के 12 घंटे के भीतर भीतर नस खुल जानी चाहिए, और गोल्डन टाइम इज 2 आवर्स, और 2 घंटे के भीतर खुल जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कई बार तो जो हार्ट की पावर हार्ट अटैक के दौरान जो गिर जाती है वो भी वापस आ जाती है, अगर हम जितना जल्दी नस खोल दें। तो टाइम इज़ एवरीथिंग इन दिस। जैसे कि कहीं आग लगे तो आपने तुरंत पानी डाल दिया तो घर राख होने से बच जाएगा, वैसे ही हार्ट अटैक है। नस बंद पड़ी हुई है 100%, वो जो एरिया सप्लाई कर रही होगी, वो जो मांसपेशियों को जो आर्टरी सप्लाई कर रही होगी, वो उसको ब्लड नहीं जा रहा है तो वो आर्टरीज मरने लग जाती हैं, और 40 मिनट से ज़्यादा जब देरी हो जाती है उसको खुलने में तो वो परमानेंट मरती हैं। मांसपेशी मरने का मतलब है कि हार्ट की पावर वीक होना, जिसके कई और
दुष्परिणाम सामने आते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर और कुछ वेंटिकुलर अरिथमिया, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो हार्ट अटैक का पेशेंट, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए तुरंत, वेट नहीं करना कि हाँ कोई आएगा कोई लेके जाएगा, ना, जितना जल्दी हो सके तुरंत जाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए। फॉरेन कंट्रीज़ में तो आप इमरजेंसी सर्विस पे कॉल करते हैं, आपको तुरंत एम्बुलेंस ले जाती है और तुरंत आपको पेशेंट का ECG करा, पता चला बड़ा वाला हार्ट अटैक है, तुरंत उसको खोलना है। अगर आपके पास एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा है तो देट इज़ बेस्ट। डोर टू बलून टाइम 90 मिनट्स, मतलब पेशेंट ने आपके डोर पे एंट्री करी हॉस्पिटल के, तो 90 मिनट्स के अंदर उसकी आर्टरी को खुल जाना चाहिए। और जो जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है, वहाँ हम खून का थक्का गलाने के एक इंजेक्शन देते हैं जैसे थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, तो वो डोर टू नीडल टाइम 30 मिनट्स है, मतलब 30 मिनट के अंदर आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आया, वो इंजेक्शन लग जाना चाहिए। फिर इसमें कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं, अगर हार्ट अटैक में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको ट्रीट किया जाता है। आमतौर पर हार्ट फेलियर में पेशेंट जाता है उसको ट्रीट किया जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है उसको ट्रीट किया जाता है, और जब सब कुछ ठीक होता है तो 4 से 5 दिन में मरीज़ की छुट्टी कर दी जाती है, उसको दवाइयाँ दी जाती है। ये दवाइयाँ उम्र भर चलती हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, बस उसकी डोज शुरू में थोड़ी हाई रहती है, बाद में धीरे 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 डोज एडजस्टमेंट होकर कम भी हो जाती हैं। तो ये रहा पार्ट उसका ट्रीटमेंट का। बचाव, जिनको हार्ट अटैक हो गया, आगे के लिए उनको ये करना है कि जो भी बुरी आदतें थी वो उनको छोड़नी पड़ेंगी, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू शराब तला भुना खाना मीठा, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। और ज़िंदगी भर अपने डॉक्टर की फॉलोअप में रहिए, वो आपको बताता रहेगा समय समय पर कब कौन सी जाँच करानी है, आगे कौन सी दवाइयाँ कम करनी, कौन सी ज़्यादा करनी है। तो अपने एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लीजिए, उसके कंसल्टेशन में रहिए। तो आज हमने जाना कि हार्ट अटैक होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या मुख्य कारण हैं इसके, जब होता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं, और होने के बाद आप क्या करना है आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यही जो जानकारी मैंने आपको हार्ट अटैक की दी है, आपको समझ में आई होगी और आप इसको जो इसके इसको लागू करने की कोशिश भी करेंगे, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जिन चीज़ों से दूर रहना है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि भविष्य में मैं आपको जो भी वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।